सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि VN एप्लीकेशन में आप कैसे टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज को बताने वाली हूँ आपको कि किसी भी वीडियो के नीचे जो टेक्स्ट स्क्रॉलिंग होता है उसे आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप VN एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे VN एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा नीचे, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी वीडियो एंड फोटोज है सब आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको वीडियो या फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी वीडियो या फोटो आप एडिट करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वीडियो का जो लेयर है वो आपको देखने को मिल जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे वीडियो का लेयर है। सबसे पहले आपको वीडियो का रेशियो चेंज कर लेना है, जिस रेशियो में आप वीडियो को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब रेशियो में दिखा दूंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारा रेशियो मिल जाएगा, तो सिंपली यूट्यूब का जो रेशियो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है वीडियो में। और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कुछ वीडियो का रेशियो जो कुछ इस टाइप का है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको फोटोज में जाके आपको एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट स्क्रॉल होगा तो यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली फोटोज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो फोटो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड ये किसी भी कलर का बैकग्राउंड लेने से चल जाएगा, तो आपको ये गूगल में मिल जाएगा बैकग्राउंड। कोई भी किसी भी कलर का बैकग्राउंड आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट कर देना है कि कितना चौड़ा बॉर्डर आप रखना चाहते हैं नीचे। तो सिंपली आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेट कर देना है नीचे। जैसे आपका ये सेट हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो इस तरह से आपको बहुत सारा टेक्स्ट लिखने का हैंडराइटिंग देखने को मिल जाएगा स्टाइल। तो सिंपली किसी भी फॉन्ट को आपको ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, तो सिंपली यहाँ पे उस टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको सिंपली इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है। तो सिंपली मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। जैसे इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा फ्रेंड, तो सिंपली इसे आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद इस लेयर में जो भी आपने बॉर्डर बनाया है उस बॉर्डर में आपको इसे सेट कर देना है। जैसे आपका ये सेट कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका लिखावट का जो भी लेयर है उस लेयर को आपको थोड़ा सा लंबा कर लेना है। जैसे ये लंबा हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आपको एकदम पीछे ले जाना है। जो भी आपका बॉर्डर बना है ना वीडियो के एकदम पीछे, जैसे पीछे ले जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक की फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको की फ्रेम वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। की फ्रेम वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी ये टेक्स्ट का लेयर है उसे आपको पीछे ले जाना है। तो इसे आपको क्या करना है, पकड़ के पीछे ले जाना है। पीछे ले जाओगे उसके बाद यहाँ पर आपको रखना है वीडियो के लास्ट में। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस की फ्रेम में फिर से क्लिक करना है। जैसे आप की फ्रेम वाले ऑप्शन में फिर से क्लिक करोगे तो इस तरह का लेयर आपको यहाँ पर बिंदु देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट को धीरे धीरे उंगली से आगे ले जाना है वीडियो के फर्स्ट में, यानी कि अंत में। इस साइड से उस साइड, राइट से लेफ्ट में ले जाना है, ऐसे ले जाना है, ले जाके छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो को मैं प्ले करके दिखा देती हूँ। ऐसे आपको वीडियो को फर्स्ट में लेके आना है, उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करना है। जैसे आप वीडियो को प्ले करोगे फ्रेंड, तो आप देख सकते हो कि आपका जो भी लिखावट है उस बॉर्डर के अंदर वो स्क्रॉलिंग हो रहा है वीडियो चलते चलते। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एक टेक्स्ट जाने के बाद दूसरे बार फिर से कोई टेक्स्ट लिखावट आई है रनिंग में होता रहे, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका लेयर है उसे कॉपी पेस्ट कर देना है, यानी कि डुप्लीकेट कर देना है। सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है। डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा दोबारा। वैसे उसे आपको सेट कर लेना है, ले जाकर पीछे ले जाकर सेट कर देना है कि जहाँ तक ये आएगा अगला वाला टेक्स्ट, उसके बाद पीछे वाला जो टेक्स्ट आएगा उसे आपको सेट कर देना है। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करोगे तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह से टेक्स्ट जो है स्क्रॉलिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को
लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।